हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। iOS 18.3.2 का ये है मेरा कंप्लीट रिव्यू वीडियो, जहां पे मैंने इसको 3 दिन इस्तेमाल किया है और अपना पूरा यूजेज एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चाहे वो बैटरी हो, परफॉर्मेंस हो, स्टोरेज हो, कुछ भी हो, मैं आपको जो है सब कुछ बताऊंगा कि क्या आपको अपडेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अपडेट कब आया था सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो वेंसडे को आया था अपडेट और आज क्या दिन है वो भी देख लीजिए आप। तो आज जो है यहाँ पे फ्राइडे हो चुका है। वेंसडे को कब आया था, कितने बजे आया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं। सुबह मैंने 5 बजे इसको अपडेट किया था, एक्चुअली ट्यूसडे रात को आया था वो। तो वेंसडे, थर्सडे और आज का फ्राइडे, 3 दिन से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैसा मेरा जो इसका एक्सपीरियंस है बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं कि अभी 3% में मेरे फोन की बैटरी। आपको कभी ऐसा नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि आपके फोन की बैटरी इससे डैमेज होती है। मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि बताओ आपको कि 100 से 0 जो है वो कितनी देर में आ जाएगी, कितने देर चलेगी, क्या है क्या नहीं, सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लास्ट चार्ज कब हुआ। तो थर्सडे रात 12 बजे, मतलब वेंसडे को सुबह मैंने जब अपडेट कर लिया, तो थर्सडे जब रात लगी, मतलब वेंसडे की रात 12 बजे थर्सडे लग जाता है, उस टाइम पे इसको मैंने 100% चार्ज किया था। एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं। और थर्सडे की सुबह में, मतलब रात को 12 बजे जब मैंने लगाया, थर्सडे लगा, चार्ज कर लिया 100%, चार्जिंग पीस हटा दिया। थर्सडे की सुबह देखिए यहाँ पे 7:12 को जब मैंने यहाँ पे चेक किया, ये कोई आइडल बैटरी ड्रेन तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 100% है, स्क्रीनशॉट है, 100% बैटरी थी, 100% बैटरी है, ड्रॉप नहीं हुई है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किसने क्या इस्तेमाल किया, तो कुछ भी नहीं है। स्क्रीन एक्टिव टाइम 2 मिनट का है, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने ऑन किया था फोन, लेकिन मैंने ज्यादा कुछ यूज नहीं किया। तो यहाँ पे आइडल बैटरी ड्रेन जो है इस वाले अपडेट में नहीं है। अगर आपके फोन में हो रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप जो है अपने फोन की सेटिंग में जाइए और जिस दिन आपने चार्ज किया सुबह उठ के आप देख रहे हैं उसके लास्ट 10 डेज में जाइए। समझो जैसे मैंने थर्सडे चार्ज किया, ठीक है, तो थर्सडे पे जाऊंगा मैं और यहाँ पे मैं चेक करूंगा सुबह जब बैटरी ड्रेन होगी 5-6% कि किस ऐप ने कितनी बैटरी जो है कंज्यूम की है, उसमें अगर कोई विजेट वगैरह होगा तो मैं डिलीट कर दूंगा उसको, बट ठीक हो जाता है, आइडल बैटरी ड्रेन नहीं होता। अब यहाँ पे बैटरी लाइफ कितनी मिली है वो देख लेते हैं। तो देखिए अभी भी है, लास्ट चार्ज थर्सडे को किया हुआ मैंने, जब से अब तक चार्ज नहीं किया है। तो कितने घंटे हो गए सबसे पहले वो समझ लीजिए, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो 24 घंटे तो हो गए थर्सडे 12 से फ्राइडे 12 को, रात की बात कर रहा हूँ। फिर 12 घंटे और हो गए, यानी कि 36 आवर्स हो गए आज दोपहर में, और फिर 3 घंटे और हो गए, यानी कि 39 आवर्स जो है फोन चल गया है ऑन अ सिंगल चार्ज। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल स्क्रीन एक्टिव टाइम कितना मिला तो थर्सडे का देख सकते हैं आप। यहाँ पे लास्ट 10 डेज में मैं गया, थर्सडे पे टाइप किया, 5.5 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम है, अच्छा खासा मैंने इसको यूज किया था। कैमरा भी 14 मिनट्स इस्तेमाल हुआ है विद फ्लैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छी खासी बैटरी जो है मैंने इस्तेमाल किया है, जो कि अच्छी बात है। फ्राइडे आज का दिन मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, आधे घंटा या 40 मिनट समझिए यूज किया, तो 6 आवर्स प्लस का स्क्रीन एक्टिव टाइम मिला है पीक समर हीट में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस चल रहा है हमारे एरिया में, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो 38 डिग्री सेल्सियस है, इतनी हीट है, फिर भी 6 आवर्स प्लस का स्क्रीन एक्टिव टाइम, वो भी एंड्योरेंस की बात अगर करें तो फोन तकरीबन 40 घंटे चल चुका है, 1 घंटा और यहाँ पे चल जाएगा। तो बैटरी लाइफ कैसी है? बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, बैटरी लाइफ फैंटास्टिक है ये अपडेट की। बस आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि आइडल बैटरी ड्रेन वगैरह नहीं हो रही, क्योंकि आइडल बैटरी ड्रेन अगर होगी रात में तो दिन में भी होगी ना ऐसे रखे रखे, तो उससे फिर आपकी बैटरी बैकअप बहुत कम हो जाएगी, आपका 2 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा स्क्रीन एक्टिव टाइम ऐसे ही कम हो जाएगा, तो वो नहीं होने देना आपको। रिव्यू वीडियो के साथ साथ मैं आपको टिप्स भी देते रहता हूं, तो वीडियो पूरा देखना आप हमेशा। यहां पे कोई मुझे बग्स नजर आए क्या इस अपडेट के अंदर? तो नहीं, मुझे कोई बग्स नजर नहीं आए, सब कुछ जो है प्रॉपरली चल रहा है। जो आया नेटवर्क इशू आया मैं आगे बात करूंगा आपको, और इसके अंदर मुझे परफॉर्मेंस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आई, सब ऐप्स जो है फटाफट ओपन हो रहे हैं, बैकग्राउंड ऐप्स भी जो है वो यहाँ पे बार बार किल नहीं हो रहे। हाँ, बहुत ज्यादा ऐप्स अगर मैं रख रहा हूँ तो वो हो रहे हैं किल, तो वो एक इशू मुझे थोड़ा सा लगा, बाकी परफॉर्मेंस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। गेमिंग वगैरह भी मैंने यहाँ पे सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ इसमें सही काम करा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतना पीक समर हीट है, 38 और 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फोन ओवर हीट नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। मैं तो बहुत यूज करता हूँ, पावर यूजर हूँ, तो बाहर भी लेके जाता हूँ, यूज करता हूँ अच्छे से, लेकिन फोन ओवर हीट नहीं हो रहा, तो परफॉर्मेंस अच्छा है। स्टोरेज की बात करते हैं, स्टोरेज मैंने आपको बताया था 4 GB से या 3 GB से जो बढ़ गया था हमने जब चेक किया था सेटिंग आईफोन स्टोरेज में, चलते अभी देखते क्या है स्टोरेज का हाल। तो यहाँ पे नीचे चले जाता हूं मैं, देख सकते हैं सिस्टम डेटा 1.07 GB, तो ये ऑप्टिमाइजेशन है, बाकी कुछ नहीं, आप भी अच्छे से यूज करेंगे तो हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आपका भी 1 GB होगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वैल्यू विल फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम नीड्स, तो ये 10 GB भी हो सकता है, 15 GB भी हो सकता है, लेकिन 50-50 GB हो रहा है तो फिर दिक्कत है। अगर वैसा है तो आप यहाँ पे देखो कौन से ऐप ने फालतू की जगह घेर रखी है, आपको लग रहा है व्हाट्सएप ने लेके रखी है, यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन कर लो ऐप और व्हाट्सएप के स्टोरेज में जाके फिर जो कुछ डेटा आपको डिलीट करना है, फोटोज वीडियोस फालतू के पड़े वो डिलीट कर दो। नेटवर्क परफॉर्मेंस की बात करते तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस के बारे में वो नहीं बोल सकता मैं, जीरो मैंने बैटरी लाइफ के बारे में परफॉर्मेंस के बारे में बोला है, क्योंकि नेटवर्क परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही घटिया है। 18.3.1 से लेके 3.2 ये दोनों ही अपडेट में जो है बहुत ही घटिया नेटवर्क परफॉर्मेंस है। 18.3 में भी इतना अच्छा था, पर इन दोनों अपडेट्स के अंदर बहुत ही बुरा है। कोई नया मॉडेम फर्मवेयर एप्पल ने पुश नहीं किया इस अपडेट के अंदर, मुझे लगा था कि शायद एप्पल जो है कुछ करेगा, मे बी इसको फिक्स करेगा, लेकिन नहीं, बहुत दिक्कत आ रही है, कॉल ड्रॉप, कॉल फेलियर बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही था पुराना मोडेम फर्मवेयर 1.40.03 और आज भी जो है वही चल रहा है, तो इससे कोई भी नेटवर्क का इशू सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन 18.3.1 के मुकाबले कॉल ड्रॉप, कॉल फेलियर थोड़ा सा कम है, डेटा अच्छा चलता है, नेट चलता है, वाईफाई चलता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, ब्लूटूथ में भी नहीं है, एयरड्रॉप में भी नहीं है, प्रॉब्लम है
कॉल्स में, कॉल जो है आपके ड्रॉप होंगे, कॉल आपके फेल होंगे, कॉल आपके लगेंगे नहीं, इनकमिंग कॉल जो है अपने आप कट हो जाएंगे। एक कॉल पे आप बात करें 10 बार जो है कॉल ड्रॉप होगा, ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और ये अपडेट में भी आपको ऐसा ही थका हुआ सड़ा हुआ परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। तो ये एक ऐसी चीज है, अगर आप 18.3 से पुराने किसी अपडेट पे हो तो मैं तो आपको बोलूंगा अपडेट करो ही मत, क्योंकि नेटवर्क परफॉर्मेंस 18.3 एंड अबव के अंदर बहुत बुरा है। लेकिन 18.3 और 3.1 पे हो आप, ऑलरेडी नेटवर्क का प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तब ये अपडेट पे कर लो, क्योंकि उनके मुकाबले थोड़ा सा कम है यहाँ पे प्रॉब्लम। तो ये एक दिक्कत है जो एप्पल अभी तक सॉल्व नहीं किया, और ये अपडेट के अंदर मुझे ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगा। और अगले अपडेट का हमको शायद इंतजार करना पड़ेगा, मे बी 18.4 का ही इंतजार करना पड़ेगा, जहां भी नेटवर्क इशू सॉल्व होगा, क्योंकि 18.4 में अपने दूसरे आईफोन पे रन कर रहा हूं और उसमें नया मोडेम फर्मवेयर वहां पे चल रहा है। ग्रीन स्क्रीन इशू क्या आ सकता है? देखिए एक ऐसा चीज है जिसके बारे में आजकल ज्यादा बात नहीं होती, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए पुराने आईफोन है ना, जैसे 13 प्रो मैक्स है, आईफोन 13 की सीरीज है, 14 की सीरीज है, इनको थोड़ा सा खतरा रहता है ग्रीन स्क्रीन इशू का। ग्रीन स्क्रीन इशू लेकिन आप आराम से अवॉइड कर सकते हैं अगर आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगाकर अपडेट ना करें तो। अगर आप चार्जिंग पे लगा के अपडेट करते हो तो आपको ग्रीन स्क्रीन इशू आने का बहुत चांस है, क्योंकि फोन ओवरहीट हो जाता है अपडेट के टाइम पे, और गर्म हो जाता है, और फिर डिस्प्ले आपका खराब हो जाता है। एक स्ट्रिप होती है एक्चुअली डिस्प्ले की, वो खराब होती है, वो चेंज करने पर डिस्प्ले ठीक हो जाता है, लेकिन वही खर्चा जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। ग्रीन स्क्रीन इशू से डरते हो तो अपडेट करने का तरीका जो है सही इस्तेमाल करेंगे तो ग्रीन स्क्रीन इशू नहीं आएगा आपको। बाकी ग्रीन स्क्रीन इशू से बहुत ज्यादा डर रहे हो तो करो ही मत अपडेट। iOS 18.3.2 ये अपडेट कैसा अपडेट है, इसके बारे में मेरा पूरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, एक रीकैप जैसे समझ लीजिए वीडियो का, बैटरी लाइफ फैंटास्टिक है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ओवरहीटिंग बिल्कुल भी नहीं है, इन सब मामले में ये अपडेट जो है मुझे एकदम परफेक्ट जैसा लगा। मैंने आपको स्क्रीन एक्टिव टाइम भी बता दिया, बहुत ही अच्छा है, 40 घंटे के एंड्योरेंस पे 6 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम। अगर मैं यही 24 घंटे के अंदर पूरा फोन का बैटरी ड्रेन कर देता इस्तेमाल कर करके, तो आराम से स्क्रीन एक्टिव टाइम जो है मेरा 7, 7.5, 8 घंटे तक भी जा सकता था। तो ये बात का भी आप लोग ध्यान रख लेना। तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग परफॉर्मेंस है बैटरी का मेरे 16 प्रो मैक्स के ऊपर। आपके पास पुराना आईफोन है तो इतना नहीं चलेगा ऑब्वियसली, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे किया हुआ है एप्पल ने। थोड़ा सा जो है परफॉर्मेंस के अंदर बेंचमार्क्स में मुझे कमी जरूर नजर आई इस अपडेट के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गीकबेंच का जो स्कोर है वो सीपीयू के अंदर पहले के मुकाबले कम हुआ है। देखिए 8849 था यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर, अभी 8496 है। तो ये जो है एक चीज है जिसकी वजह से एप्पल यहाँ पे बैटरी लाइफ और बढ़ा पाया है, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज रखते हुए हीटिंग को यहाँ पे कंट्रोल कर पाया है, तो इसके लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। लेकिन मैं जहाँ पे क्रिटिसाइज करना चाहूंगा वो ये है कि नेटवर्क परफॉर्मेंस सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि फोन की एक बार को बैटरी कम चलेगी चलेगा, फोन गर्म होगा ठीक है चल जाएगा मैनेज कर लेंगे, लेकिन कॉल ही नहीं लग रहा तो मतलब क्या रहेगा फोन का। आप सोचो 2 लाख रुपए का फोन है, 1.5 लाख रुपए का आपका फर्स्ट फोन है, 50,000 का फोन है, कितने भी आपने आईफोन लिया, लेकिन कॉल ही नहीं लग रहा, कॉल लग रहा है, कॉल ड्रॉप हो रहा है, कॉल फेल हो रहा है, तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। जल्द से जल्द एप्पल ने इसको फिक्स करना चाहिए, और अगले अपडेट में अगर फिक्स हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर वही बात हो जाएगी कि हमने इतना महंगा फोन लिया और नेटवर्क जो है सही से आ रहा नहीं, कॉल लग रहे नहीं। क्या आपको 18.3.2 पे अपडेट करना चाहिए? अगेन वही बोलूंगा, अगर आप 18.3 18.3.1 इस पे चल रहे हो तो अपडेट कर लो, क्योंकि उससे तो बेहतर ही अपडेट है, उससे पुराने वाले पे चल रहे हो और कॉल ड्रॉप कॉल फेलियर का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो मत करना इस पे अपडेट। यही थी कहानी दोस्तों रिव्यू वीडियो की iOS 18.3.2 की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।